थ्री क्वेश्चन, ठीक है। नीट में ज्यादा क्वेश्चन आने का रीजन, नीट में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, 45 क्वेश्चन रहते हैं, जेई में 30 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ओके, क्या चल रहा है? हाँ वो बाद में ढूंढो। अब यहाँ पे जेई में एक क्वेश्चन तो इसमें गारंटेड आता है, यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी रहते हैं, ठीक है, बट उसके लिए अपने को पूरा टॉपिक तो पढ़ना ही है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो उतना ही पढ़ा ही खत्म कर देते हैं, बट ठीक है चलो। अब लेट्स सी, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन से टॉपिक्स आते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जरा कंटेंट लिख देते कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मुझे बताओ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और कौन से कौन से? तो इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एंड फाइनली हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे लास्ट डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, ठीक है। ये तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो पढ़ाया ही है, स्कूल में हुआ होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देख ले ये पार्टिकल्स डिस्कवर होने के बाद ये एटम के अंदर कैसे है, वो भी अपने को सोचना था। तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट देने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले है जे जे थॉमसन, करेक्ट बोल रहा, जे जे थॉमसन मॉडल, एटॉमिक मॉडल, ठीक है। उसके बाद आए थे रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, फिर आए बोर्स, बोर्स एटॉमिक मॉडल, एंड फाइनली आए वेव मैकेनिकल मॉडल। क्या हुआ? देखो पहली बात, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल मिल दिया, उनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। फिर वो बहुत फेमस हो गए, फिर उनके पास एक स्टूडेंट है स्टडी करने के लिए जिसका नाम था रदरफोर्ड, उसने उनके रिसर्च को आगे बढ़ाया। फिर उनके बाद उनके पास दूसरा एक स्टूडेंट आया नील्स बोस, उसने उनके रिसर्च को और आगे बढ़ाया। मुझे मैं ओके, ये होने के बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इज, पहली बात ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ? उसमें ही ऐड हो जाएगा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। चलो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके ऊपर फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। सेम टॉपिक्स फिजिक्स में भी रहने वाला है, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, थोड़ा बहुत सीक्वेंस ऊपर नीचे होता है रे, इतना कुछ नहीं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का नाम तो लोगों ने सुना होगा, श्रोडिंगर्स लास्ट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तुम लोगों ने श्रोडिंगर का नाम तो सुना होगा, श्रोडिंगर्स कैट,
श्रोडिंगर्स कैट, ठीक है। अरे नहीं सुना है तो मत सुनो यार, इतना इधर देख, चुप रह। तेरा नाम क्या है? मैं भूल गया, जैनम नहीं, जैनम ही है, जिनांश, जिनांश, जिनांश। ओके, अब देखो इसमें मैं कुछ पढ़ाने रहा हुआ, फटफट लिखना स्टार्ट। अब उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। इसको कुछ मेथड मत करना, ठीक। तो लास्ट टाइम आएंगे क्वांटम नंबर्स, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अगर तुम लोगों का नसीब अच्छा हो तो इन सब में से क्वेश्चन आता कभी है नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है क्वांटम नंबर में से, बट तुम लोगों की शक्ल देख के लगता है तो है नहीं तुम लोगों का नसीब अच्छा है। शक्ल जिसकी इतनी खराब हो उसका नसीब भी खराब हो। तो बाय द वे, बट अगर एक्चुअल में तुम लोगों का नसीब बहुत अच्छा निकला तो एग्जाम में क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आता है, बाकी इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन बनता नहीं, ठीक है। तो एंड अगेन तुम लोग दो बार एग्जाम दोगे मिनिमम, दो अटेम्प्ट रहता है, क्या थर्ड अटेम्प्ट भी होने वाला है? क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस बात के लिए? थर्ड अटेम्प्ट के लिए वो रोने वाले रहते ही है, उनको उनको इग्नोर कर रहे हैं। दो अटेम्प्ट मिलते हैं अपने को बस, अरे दो बार एग्जाम देके तुम लोग भी थक जाते हो, मतलब जिनकी पढ़ाई हुई रहती है ना वो दो बार एग्जाम देके बोलते बस हो गया साला अभी एडवांस लो खत्म कर दो, थक गए पढ़ पढ़ के। जो पढ़ते नहीं है ना वो ये फालतूगिरी करते प्रोटेस्ट वाली, ठीक है। तो पढ़ाई करो, प्रोटेस्ट मत करो, ओके। चलो भाई, मतलब जो अपने पढ़ने वाले बच्चे हैं, मतलब कुछ कुछ बच्चे तब बोल रहे साला सीईटी क्यों देना था, नहीं देनी थी हम लोगों को वैसे, तो एग्जाम दे देके फिर बोर होता है और कुछ नहीं। एनीवे, अब यहाँ पे क्वांटम नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से एक क्वेश्चन आते ही बोलने के बदले आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। मतलब पकड़ के चलो 40% चांस ये रहता है कि तुम लोगों के एग्जाम में क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आएगा, बाकी 60% ऊपर वाले में से किधर ना किधर से आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तुम लोग दो बार एग्जाम दोगे तो दो बार तुम लोगों के पास 40% चांस है कि एग्जाम में वो क्वेश्चन आए, ठीक है। 40 नीट के लिए तो दो से ज्यादा, दो क्वेश्चन मिनिमम आते हैं ना, तो क्वांटम नंबर में से भी आ सकते हैं। कभी कभार नीट में थियरी के क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग पहले 2-3 लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे नीट में थियरी के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, नो डाउट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एंड लास्ट हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू कभी पूछा नहीं गया था, ग्राफ्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये टॉपिक के ऊपर मिनिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे कम, ठीक है। जेई में आया हुआ है, जेई में बहुत बार आया, मतलब कम बोलना गलत हो जाएगा, जेई में आया हुआ है, नीट में तो ना के बराबर, ना के बराबर नहीं आया, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट विल स्टार्ट विद डाल्टन एटॉमिक मॉडल, डाल्टन थ्योरी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट विद सो हेडिंग डालना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या फिर डाल्टन थ्योरी। तो डाल्टन जो था ये एक इंग्लिश टीचर था, हाँ, हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहा था, ठीक है, डाल्टन। तो हाँ, सो डाल्टन वाज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वाज अ फिलोसोफर। फिलोसोफर वो रहते हैं जो इनको जो लगता है ऐसे सजेशन काइंड ऑफ थिंग, हाँ, मतलब उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया क्या, उसको लगा कि ऐसा है शायद, ठीक है। तो उसने अपने विचार व्यक्त किए एंड लोगों को भी लगा कि हाँ बंदे के बारे में कुछ तो दम, तो इसलिए हम लोगों ने उसकी बातों को मान भी लिया। बहुत फेमस होता है ये बंदा भी, मतलब इंग्लिश से डायरेक्ट केमिस्ट्री में, ठीक है, या फिर फिजिक्स में, एकदम हाँ इंग्लिश पढ़ा, वो इंग्लिश पढ़ाता था, इंग्लिश टीचर था वो हाई स्कूल लेवल पे, ठीक है। तो डाल्टन ने तुम लोगों का सिलेबस बढ़ाना था उसको भी, क्या देखो इसलिए केमिस्ट्री में आ गया वो, तो वो बोले इंग्लिश में अभी मतलब शेक्सपियर ने सब काम कर लिया है, अपने को कुछ भाव मिलने वाला है नहीं लगता है,
चेंज करना पड़ेगा. तो देखो भाई, नाउ डाल्टन ने एक वर्ड देखा विच वॉज एटोमियम. ठीक है, एटोमियम वॉज अ लैटिन वर्ड गिवन बाय अ फिलोसोफर, अनदर फिलोसोफर डेमोक्रेटस. ठीक है, डेमोक्रेटस करके एक फिलोसोफर थे जिन्होंने एटोमियम वर्ड दिया था. एटोम डेमोक्रेटस, डेमोक्रेटस ने डेमोक्रेसी नहीं, एटोमियम ये वर्ड दिया जिसका मीनिंग रहता है इनडिविजिबल. क्या रहता है? इनडिविजिबल. ठीक है, अब इसके पहले ना एक इंडियन फिलोसोफर था जिसने ये वर्ड देखे होगा. हाँ वे महर्षि कर्ण, जिसने वर्ड दिया था परमाणु. ठीक है, संस्कृत वर्ड है परमाणु, अणु परमाणु, परमाणु से बनते हैं अणु, अणु को तोड़ोगे तो बनेगा परमाणु. क्या? ओके, मतलब वो परम मतलब क्या फोर्स, हाँ वही वैसे कुछ है. एंड अणु मतलब पार्टिकल, अणु मतलब पार्टिकल, एंड परम मतलब वो परम देव और क्या क्या रहता है ना जिस नाम के आगे परम लगा देते कुछ ना कुछ. तो द वन वो फर्स्ट कम्स फर्स्ट, एंड अणु मतलब पार्टिकल, सो फर्स्ट पार्टिकल. एनीवे वो वही मतलब एटॉमिक बॉम्ब ना बे, उसमें एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड होते हुए दिखाया ना, तो इसलिए परमाणु उसका नाम. उसमें भी परमाणु का मीनिंग रहता है अणु, एटम. ठीक है चलो. सो हाँ वही तो कल संस्कृत डे था पता है ना. ठीक है ठीक है. ओके सो एटोमियम इंडिविजिबल. ठीक है, इस वर्ड से इंस्पायर होके अपने को डाल्टन ने बोला कि देख ले अगर अपने पास कोई एक पार्टिकल है. ठीक है, लेट्स सपोज उन लोगों ने मेटल रॉड लिया. अब अपने को पता है कि मेटल रॉड्स के अंदर रहते हैं एटम्स. डाल्टन को पता थे क्या? नहीं. तो डाल्टन ने ऐसे विजुअलाइज किया कि अगर अपने पास ऐसे एटम्स है, मतलब ऐसे कोई एक पार्टिकल है, लेट्स सपोज ऐसा कुछ एक रॉड है, एंड इस रॉड को तुम लोगों ने कट करना स्टार्ट किया. ठीक है, तो देख लो पहला स्लाइस. फिर बाद में तुम लोगों ने इसको वापस कट करने की कोशिश की, वापस कट हुआ. तुमने इसको वापस कट करने की कोशिश की, वापस कट हुआ. फिर से कट करने की कोशिश की, हो गया. अब इसके आगे कट करने की कोशिश की तो देयर विल कम अ पॉइंट आफ्टर विच दिस पार्टिकल विल नॉट बी एबल टू कट. ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इनडिविजिबल पार्ट विच इज क्या बोल रहा समझ में आ रहा है? तो लिखना स्टार्ट करो. पॉइंट नंबर वन थियरी का पॉइंट, हाँ दैट इज टोटली अप टू यू ड्रॉ करने के लिए. पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर वन द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल. द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इंडिस्ट्रक्टिबल. इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एन एटम, इज कॉल्ड एज एन एटम. Point number two. Point number two. Atoms of same element. Same element. Have same size, mass, and nature. Have same size, mass and nature. मतलब क्या है? देखो अगर तुम लोगों के पास कार्बन का एटम है, कार्बन का मास कितना रहता है? अब तुम लोगों ने एक कार्बन लिया, वैसे ही दूसरा कार्बन लिया, दोनों का मास कितना रहना चाहिए? और दोनों के साइज सेम लेनी चाहिए, डिफरेंट? बट उसी बंदे अगर तुम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रहे हो, ऑक्सीजन का मास उसकी साइज कार्बन जितनी रहेगी क्या? तो ऑक्सीजन की साइज थोड़ी सी छोटी रहती है. क्यों रहती है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, बट सो अगर सेम एलिमेंट है तो उनका मास साइज सेम रहेगी, बट अगर डिफरेंट एलिमेंट आ गया तो उनकी साइज डिफरेंट.
बाद में करेंगे वो खुद। अब पॉइंट नंबर थ्री, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस इन अ डिफाइनाइट होल नंबर रेशियो। डिफाइनाइट होल नंबर रेशियो, अरे वो मतलब रट के नहीं आता रे, डिफाइनाइट होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसका मतलब देखो मैं, टू फॉर्म कंपाउंड्स। एग्जाम्पल, अब अगर तुम लोग कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करोगे, एक मिल सकता है सीओ या फिर दूसरा मिल सकता है। अब देखो मैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन से सीओ जब हम लोगों ने बनाया तो यहाँ पे एटम्स का नंबर क्या था, 1:2। यहाँ पे एटम्स का नंबर क्या था, 1:2। अब मुझे बताइए नंबर डिफाइनाइट रहेगा कि नहीं रहेगा। ये नंबर सिंपल है क्या, एंड ये नंबर होल नंबर है क्या? तो बस मतलब ये दो एग्जांपल लिख दो यहाँ पे, CO एंड CO2। पॉइंट नंबर फोर, बड़ी खुशी है ना। So we are unable to point number four. Atom can neither be created nor be destroyed. Bas it can be converted from one form to another, aisa nahi aata. It can nahi aata. Atom can neither be created. Your camera is off. जो पहले से बने हुए उतने ही उससे सारा उससे कम हो नहीं सकते, ठीक है? ऐसा तो ये डाल्टन ने बताया था। मतलब डाल्टन ने क्या बोला कि यूनिवर्स के बिगिनिंग में जो एटम्स बने थे, जितने बने थे उतने वो बिग बैंग से बने ना भाई, बने कैसे तो बिग बैंग से बने, बट उधर से जो बने हुए वो आज तक वैसे के वैसे, मतलब बिग बैंग के टाइम पे जो हाइड्रोजन बना था ना भाई, मतलब 140 करोड़ साल पहले जो हाइड्रोजन बना था वो अभी तक वैसा ही है। समझ में आ रहा है? मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर अभी भी जो कार्बन के एटम्स है ना, वो 140 करोड़ साल पुराना है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, वी आर मेड अप ऑफ एटम्स, क्या 14 मिलियन? हाँ अरे हाँ, 1400 करोड़ साल, ठीक है, जो एटम्स बने थे उससे तुम लोग बने हो, उससे मैं बना हूं। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ वही तो रिसाइकल होते रहते हैं ना, बाद में अभी तू शुरू करता है, वापस वो उधर जाता है, वापस रिसाइकल होके। समझ में आ रहा है? मतलब सच्ची है, मतलब जो डायनासोर ने पी करके निकाला होगा, जो किसी दूसरे इंसान से सुसु करके निकाला होगा। अब उसने बोला पहले, उसने शुरुआत की, थोड़ी शुरुआत उसने डायनासोर ने वही पानी पिया था, तो पानी पिया तो था, बट पानी वापस बाहर कैसे आया वो भी बताना पड़ेगा। बट यस दैट इज ट्रू, बट वो डिस्टेंस तो क्या आता है ना, तो मतलब ऑब्वियसली तो वो नेचुरल डिस्टिल हो गया था, तो ऐसे समझते ये नहीं प्रॉब्लम। अब तुम लोगों को क्या रहता है, फर्टिलाइजर्स किस चीज के बने रहते हैं? गोबर ना, वही फिर झाड़ एब्जॉर्ब करता है, उससे फिर झाड़ बनता है। तुम लोगों को पता है? अबे यार रुको, ये हो गया, बंद हो गया। कैमरा ऑफ हो गया, बता रुको, चुप बैठ, खाना नहीं खाऊंगा, क्या नहीं करूंगा, क्या नहीं। बट उसके अंदर के भी जो एटम्स है वो मतलब वो ग्रीन से ही बने रहते हैं ना, तो वो भी एट डन ग्रीन से बनने के लिए, तो भी सब कुछ खा पी सब सकते हो तुम लोग, डोंट वरी। तुम लोगों को पता है एज ए फर्टिलाइजर एक टाइम पे हम क्या यूज करते थे?
बर्ड शूट यूज करते थे, बराबर ठीक है। तो वो देख झाड़, झाड़ उगाने के लिए ना उसको लगता है नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन की जरूरत जब थी तो अभी हम लोग अमोनिया हेबर्स प्रोसेस से बनाते हैं, बट उसके पहले तक अपने को नाइट्रोजन रिच कुछ तो चाहिए था ठीक है। तो हम लोगों ने गुआना यूज करना स्टार्ट किया, विच इज बर्ड पोक ठीक है। अरे बड़े बड़े समंदर में तो बड़े बड़े आइलैंड्स रहते हैं, जहाँ पे है ना पक्षी जाके फंसते हैं वो तोड़ भाई, मतलब उसके ऊपर वॉर हुई है ऐसे आइलैंड्स के ऊपर, क्योंकि एक पॉइंट के बाद है ना सॉइल की फर्टिलिटी बंद खत्म हो जाती है, तो वापिस में फर्टिलिटी लाने मतलब सॉइल के अंदर का सब नाइट्रोजन निकल जाता है, ये एटम्स बोल रहे पहले के बने हुए, तो वही सॉइल के एटम्स झाड़ के अंदर जाते हैं, फिर उधर से अपने को पत्ता गोभी एंड ऑल वो सब मिलता है, वो हम लोग खाते हैं ठीक है। तो अब एक पॉइंट के बाद सॉइल के अंदर के सारे नाइट्रोजन के आइटम्स खत्म हो गए, फिर सॉइल की फर्टिलिटी कम होना स्टार्ट हो गई, सो फिर उसके बाद हम लोग बर्ड पूप के सर्च में निकल पड़े थे। ऐसे बर्ड पूप के सर्च के अंदर मतलब ऐसे आइलैंड्स के ऊपर है ना वॉर हुई है, लाइक ये अपने को चाहिए तो वैसे ट्रू स्टोरी। अभी हेबर्स प्रोसेस, अभी तो अमोनिया हम लोग हेबर्स प्रोसेस से बना पाते हैं, एक जमाने में अपने पास अमोनिया नहीं था, तब अपने को अमोनिया के सर्च में ऐसे सब कुछ करना पड़ता था, समझ में आ रहा है ठीक है क्या नहीं ये बदल सकते अब हाँ। तो और कुछ तुम लोगों को सुनना है आइटम्स के बारे में, क्या क्या वो एटम्स मॉलिक्यूल्स में नहीं आता अगर रहता तो मैं बता, चलो बस ओके अब आगे बढ़ते हैं। सर थर्ड और फोर्थ पॉइंट रिपीट करो ना, एक नीचे नोट लिखना, नोट तुमने ये वीडियोस देखना बंद कर दो, सो ऑल द अच्छा उसके नोट्स में देख के ऑल द अबव All the above points are false. क्या वो एडेंट टू इंग्लिश टीचर था ना तुम, तो उसने डाल्टन को ये लगा कि ऐसे होता है, उसके पास कुछ प्रूफ था क्या? ठीक है, सो इट वॉज जस्ट थियरी, लाइक ऐसा हो सकता है और अपने को करेक्ट लगा इसलिए हम लोगों ने एक्सेप्ट किया सारे पॉइंट। अब नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ दिस थियरी, तो आप याद है सो लेको बे लिमिटेशन ऑफ दिस थियरी, पॉइंट नंबर वन लिमिटेशन, पॉइंट नंबर वन तो लिखना स्टार्ट करना, तुझे हर लिमिटेशन लिखा रहा हूं। लिमिटेशन नंबर वन, एटम कैन बी डिवाइडेड, ठीक है, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हम लोग एक एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं एक्चुअल, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाद में आइसोटोप्स सर्च किया ढूंढे, ठीक है। अब आइसोटोप्स में एक ही कार्बन, उसका मास 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, अब एक नाइट्रोजन जिसका मास रहता है 14, उसका मास 15 भी हो सकता है, ऑक्सीजन जिसका मास रहता है 16, उसका मास 17 और 18 भी हो सकता है। हाइड्रोजन 1, 2, 3, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है क्या, हाइड्रोजन 3 ट्रिटियम, ट्रिटियम 2 रहेगा तो ड्रियम वैसे, ओके लिख दो। पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 ये था कि एटम्स, तुम ये इरेज किया है मैंने नहीं ना, हाँ आइसोटोप सेकंड पॉइंट। अब
पॉइंट नंबर थ्री देखो, डाल्टन ने बताया था कि एटम हमेशा कौन से नंबर में कंबाइन होंगे, होल नंबर में बराबर, बट ये हमेशा होता नहीं है। बाद में उन्होंने डिस्कवर किया नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, नॉन बता रहा हूं ना रुको, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। अब देखो भाई, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स में तुम लोगों ने FeO सुना है ना, बट तुम लोगों ने Fe0.93 सुना है क्या? बस, these are called as non-stoichiometric compounds, जिसमें stoichiometric ratio ऐसा fraction में रहता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, पहला वाला जो है वो JEE 2013 में पूछा गया था, दूसरा वाला JEE 1999 में आएगा पूछा गया था। क्वेश्चन इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं JEE में, एक 1999 के अराउंड कुछ मतलब 90s में पूछा था, एंड दूसरा 2013 में पूछा था, ठीक है, फालतू क्वेश्चन में पूछूंगा तुम लोगों को, कर निकालो जरा दिमाग लगाओ अपना, देखते कितना आता है, ट्यूबलेस निकाल में फालतू करो, ऑक्सीडेशन नंबर प्रथम आ रहे मनीष मुझे बताए इसका क्या है भाई, रुकना रे एक मिनट, इसका कितना आएगा, क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कैसे होगा, गलत है, गलत लग रहा है, 2x, 2x = 0, x = 6 by, अंतर कितना आया, अब मुझे बता 2x क्यों लिया था, हमने तुम लोगों को आता है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में ना, अब इधर क्यों ऐसी उल्टी सुलटी हरकतें कर रहे हो, इधर कितने Fe है, अच्छा क्यों, हाँ हाँ तेरा करेक्ट, नहीं बाकियों ने नहीं, हाँ तेरा आंसर फिर करेक्ट था, ओके तो यहाँ पे तुम लोगों को Fe कितना देना है, 0.93x माइनस 2 इज इक्वल टू x will become 2 by 0.93, ठीक है, which is 2.10 ऐसे कुछ, ठीक 2.15, 2.15, 2.10, अब यहाँ पे अच्छा तुमने 95 बोला ना वो इसलिए मैं, हाँ अच्छा मैंने 93 का पूछा था ना वो इसके वजह से मुझे लगा कि गलती होगा, 93 से डिवीजन होगी, हाँ अब ये तुम लोगों को मिला ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकला समझे, जेई में क्वेश्चन ये आया था दैट दिस कंपाउंड इज मेड अप ऑफ, जरा मुंह बंद रखोगे क्या है, तो जेई में क्वेश्चन ये आया था दैट दिस कंपाउंड इज मेड अप ऑफ Fe2+ एंड Fe3+, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe3+ इन दिस कंपाउंड, जेई 2013 का क्वेश्चन था, ये घर पे आके सॉल्व करना, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो तुम लोगों को बेसिक कंसेप्ट पढ़ाई हुई परसेंटेज कैसे निकालते, आगे बढ़े, ओके पॉइंट नंबर 4, लिमिटेशन का पॉइंट नंबर 4, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, अच्छा ओके तो फोर्थ कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस, फोर्थ पॉइंट न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड मैन मेड
एलिमेंट। देखो भाई न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग एटम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, एटम्स आर डिस्ट्रॉयड, एंड मैनमेड एलिमेंट्स में हम लोग एटम्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, भगवान के बाद हम ही आते हैं। अब क्रिएट किया ना एटम, बेसिक यूनिट हम लोगों ने क्रिएट किया है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसके बाद क्वेश्चन वैश्चन कुछ नहीं आता टाइम वेस्ट करने के कारण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगेन इस चैप्टर में से क्वेश्चन मेजरली किस किस चीजों के ऊपर आता है एक बार लिख के रखो भाई। क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं तो फिजिक्स में तो आएगा ही, बोस मॉडल के ऊपर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, डी ब्रॉगलीस प्रिंसिपल के ऊपर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। ये चार ही टॉपिक इसके बाद पूछे जाते हैं। बाकी वैसा देखा जाए तो इस चैप्टर में बाकी कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता, अगेन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100% इसके ऊपर से आएगा, बट 90% ऑफ द टाइम इन टॉपिक्स के बाहर से क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता। ठीक है, फिजिक्स में भी यही टॉपिक्स है, केमिस्ट्री में भी यही टॉपिक्स है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। बोलो क्या क्या पता नहीं कैसे निकाला था। अब देखो फिर 85 तो नहीं लग रहा मुझे, नहीं 85 नहीं है, ओके नहीं गलत है, 85 तो नहीं लग रहा, कुछ हार्डली कुछ 4-5% आ रहा है। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या पढ़ाऊंगा तुझे, डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक बॉन्ड। Discovery of subatomic particles. By the way, question solve करने के लिए देखो number line पढ़ाई थी, एक है Fe2+, दूसरा है Fe, compound इन दोनों से बना है और इन दोनों का average oxidation number आ रहा है 0.93/200। ऐसा कुछ ना, अगर Fe3+ को पूछा है तो ये है अपॉन दिस गैप, याद है, इन 200 वो उतना करोगे ये आंसर। चलो बस हो गया, अभी सॉल्व करके आंसर बताने पर बैठना क्योंकि मैंने ये आंसर बताया तुम लोगों को। ठीक है, अभी आप फोकस करो, डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक, ये समझा क्या बोला मैंने, अगेन परसेंटेज निकालना ये से अंदर से आना चाहिए, एवरेज समझ के लेना वो से तुम लोगों को खुद से समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बहुत फॉल्ट है, मतलब अगर उसकी थियरी पढ़ाने जाऊंगा ना बहुत लेंदी है, अच्छी खासी लेंदी है। ठीक है, थियरी उस कंसेप्ट की, बट अगर लोग नंबर्स समझ पाए तो ये इतना सा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले से पढ़ के रखा है, क्या बेटा समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की थियोरी से कुछ इतना मतलब है ही नहीं, नंबर अगर तुम लोगों को मैनिपुलेट करने आ गए तो थियोरी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है सोचो भी कि थियोरी भी पढ़ाने वाला हो, तो थियोरी पढ़ेंगे बट जिस टॉपिक में आएगा उस टॉपिक। अब डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डालना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय जूलियस प्लकर, जूलियस प्लकर करके एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कैथोड रेस डिस्कवर की थी। ठीक है, अब जूलियस प्लकर ने क्या सोचा, देख जूलियस प्लकर के जमाने में एडिसन होके चला गया था। ठीक है, एडिसन ने करंट किसके अंदर पास कराया,
सॉलिड के अंदर, नहीं नहीं एडिशन ने सॉलिड के अंदर पास करें, ठीक है कि भाई इधर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर तुम लोग वायर में से पास कर रहे हो तो ये मेटल रॉड में से भी पास हो सकते हैं, ये याद है कभी, ये पता है ना। तो अब अगेन इनको इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं थे, करंट पता, तो करंट रॉड्स में से पास हो सकते हैं, वो करंट क्यों पास हो रहे हैं वो नहीं पता होता है, ठीक है। फिर बाद में आए माइकल फैराडे, मैंने बोला अच्छा सॉलिड में से पास हो रहे हैं, लिक्विड में से करके देखते होता है क्या, ठीक है। तो उन्होंने एक सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन के अंदर दो रॉड डिप कर दिए, सोल्यूशन के अंदर दो रॉड जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है, और यहाँ पे अटैच कर दी बैटरी, बैटरी को करंट पास हो रहा है कि नहीं चेक करने के लिए एमीटर अटैच कर सकते या फिर एक बल्ब अटैच कर देते, ठीक है, ठीक है। अब अगर ये बल्ब जल पड़ा तो करंट पास हो रहा है, अगर नहीं जला तो करंट पास, बट बल्ब मतलब लिक्विड में से भी करंट पास हो रहा। फिर बाद में अपनी जूलियस पे करें, बोले कि अच्छा सॉलिड में से करंट पास हो रहा है, लिक्विड में से भी करंट पास, तो गौरी अभी क्या करेंगे, और गौरी के पीछे वाली क्या कर रहे हैं अभी इसके बाद, हाँ अच्छा ये हाँ थैंक यू, क्या करेंगे इसके बाद, तो करंट गैस में फ्लो हो रहा है कि नहीं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। गौरी के पीछे वाली तेरा नाम क्या है, निशा, मीशा एम मीशा, ओके। तो मीशा अभी हम लोग क्या करने वाले, मीशा ना अब तुम लोगों को निशा क्यों सुनाई दे रहा, मैं निशा ही बोल रहा हूँ। हाँ तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या गैस करेंगे, क्या करेंगे, तो ओके तो जूलियस प्लेटर ने सोचा कि लेट्स सी इफ वी कैन पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैस। अब मुझे बता इलेक्ट्रिक करंट गैस के थ्रू पास होता है क्या, कब देखा है सर, अंडर लाइटनिंग, लाइटनिंग में वहां से गलती है, ठीक है, या फिर तुम लोग ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी अगर कोई ऑन चालू किए हुए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर ऐसे वायर डाल के देखो स्टार्टिंग, हाँ ऐसे वो स्पार्क बाहर निकलते हैं ना वैसे, तो डिस्चार्ज तो हो सकता है करंट का, ठीक है, उसको देखना था स्टेडी डिस्चार्ज होता है कि नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे ट्यूब ली, ठीक है, जिसके अंदर ऑब्वियसली गैस भरी हुई है, अब ट्यूब में से करंट पास करने की कोशिश करने वाले हम लोग, ट्यूब में जो गैस है उसमें से हम लोग ट्राई करेंगे कि करंट पास हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे, ठीक है। अब इस ट्यूब को उन्होंने अटैच कर दिया दो प्लेट विच आर इलेक्ट्रोड, इसमें से करंट पास करेंगे, तो यहाँ पे दो प्लेट्स अटैच कर दिए, अब प्लेट्स में से करंट जा रहे कि नहीं वो देखना है ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली करंट का एक सोर्स लगेगा बैटरी, बैटरी का छोटा टर्मिनल रहता है हमेशा नेगेटिव और बड़ा वाला रहता है, ये पता है ना। तो देखो भाई यहाँ पे ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है एंड ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। अब ट्रेडिशनली नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर आता है उसे हम लोग बोलते हैं कैथोड, इसे हम लोग बोलते हैं कैथोड, एंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम लोग बोलते हैं एनोड। तो एक है कैथोड दूसरा है एनोड। अब हमारे जूलियस प्लेटर को यार देखना इसमें करंट का पास हो रहा है कि नहीं, बराबर, तो उन्होंने बैटरी ऑन की, कुछ नहीं, तो उन्होंने बोला क्या तुमने कुछ काम करते हैं, ऐसा कुछ ऐड करते हैं जो करंट को देख पाता है, अच्छा। जैसे हम लोग बोलते हैं स्किंटिलेटिंग मटेरियल, क्या बोलते हैं इसे, स्किंटिलेटिंग मटेरियल जो रहता है वो चार्ज के कांटेक्ट में आती है, स्किंटिलेट होता है मतलब क्या, ल्यूमिनेंस प्रोड्यूस करते हैं, चमकता है, ठीक है। तो उन्होंने अटैच कर दिया यहाँ पे जिंक सल्फाइड, जैसे गौरी ने पढ़ के आई है माइंड सेटर्स, तो जिंक सल्फाइड उसने ऐड किया विच इज अ स्किंटिलेटिंग मटेरियल, स्किंटिलेटिंग
मटेरियल, और ये वहां पे हो गया है क्या? तो छोटे अब यहाँ पे उन्होंने अटैच किया जिंक सल्फाइड. अब देख जिंक सल्फाइड इज स्क्रिंगलेटिंग मटेरियल, तो यूजुअली उन लोग पुराने जमाने की ट्यूबलाइट से क्यों, उनके पास फोड़ा है थोड़ा है, उसमें से टूटा है, टूटा है तुम्हारे घर पे हो तो अंदर से क्या निकलता है, हाँ वो व्हाइट कलर की पाउडर निकलती है, तो उसका भी वर्किंग सेम रहता था ठीक है. उसमें भी है ना एक स्कैंडलेटिंग मटेरियल रहता था, यहाँ पे ऐसे दो ऐसे प्लग्स रहते थे जो अंदर हम लोग ऐड कर देते थे, उसके अंदर इधर से हम लोग करंट पास करते थे, ये करंट पूरे ट्यूब के अंदर व्हाइट मटेरियल रहता था उसके से कॉन्टेक्ट में आके चमकता था, ग्लू करता था, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. तो उसके अंदर जो व्हाइट पाउडर रहती है यूजली मर्क्यूरी की बनी रहती है, एंड वो स्कैंडलेटिंग मटेरियल रहते हैं, समझ में आया कुछ ठीक है. तो सेम यहाँ पे भी उन्होंने स्कैंडलेटिंग मटेरियल अटैच कर दिया जो कि करंट के कॉन्टेक्ट में आके चमक सकते ठीक है, फिर भी कुछ नहीं चमक. हाँ नहीं अभी तो एलईडी है ना, अब पहले के जमाने में, हाँ अब अभी के टाइम पे सॉरी उसके बाद उन्होंने कहा फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे लगा कि शायद से करंट जो हम लोग पास कर रहे हैं वो बहुत वीक है, तो उन्होंने करंट का वोल्टेज बढ़ा दिया, करंट का वोल्टेज बढ़ा के उन्होंने उसको कर दिया 10^4 वोल्ट, समझ में आ रहा है 10,000 वोल्ट, फिर भी कुछ. अब उन्होंने सोचा सर करें तो करेगी, तो उन्होंने सोचा कि यार मोस्ट प्रॉबली यहाँ पे है ना बहुत सारी गैस है, एंड ये गैस के रेजिस्टेंस की वजह से मेटल के अंदर रेजिस्टेंस रहता है क्या, बहुत कम रहता है बराबर, इसके वजह से उसमें से करंट इजीली फ्लो हो जाता है बराबर. लिक्विड के अंदर रेजिस्टेंस रहता है क्या, रहता है, इसके लिए हम लोग उसमें जब तक कोई सॉल्ट ऐड नहीं करते लिक्विड में से करंट पास नहीं होता इजीली. गैस में रेजिस्टेंस रहता है क्या, दुनिया भर का रहता है, तो मतलब सभी गैस में ना बहुत सारे रेजिस्टेंस रहेंगे, काम करते थोड़ी सी गैस क्या करेंगे कम कर देंगे ठीक है. तो उन्होंने वही स्टार्ट किया कि थोड़ी गैस कम करते, अब गैस कम करने के लिए उन्होंने अटैच कर दिया वैक्यूम कम करने से, नहीं इसलिए तो अपने को गैस तो चाहिए ही, तो वैक्यूम रहेगा तो कुछ पास नहीं होगा क्या पास नहीं, अरे मैं मुझे तो उतना सब कुछ डिलीट करना ही नहीं था, ये इरेजर ही कुछ काम करनी है तो ही अटैच्ड अ वैक्यूम पंप ओवर हियर ठीक है. अब वैक्यूम पंप अटैच करने से क्या हुआ, वैक्यूम जनरेट हुआ ठीक है, एंड यहां पे उन्होंने जनरेट किया 10^-4 एटमॉस्फेयर का वैक्यूम. अब मुझे बताया इतना कम प्रेशर देने के बाद यहाँ पे ज्यादा गैसेस है क्या अभी, देन ही ऑब्जर्व कि भाई कुछ तो निकल रहा है, उनको वो कुछ तो दिखा था क्या, नहीं, बट उनको पता चला कि भाई ये इधर पीछे की तरफ जाके ग्लो हो रहा है. अब ग्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली कुछ निकल रहा है. अब मुझे बता ग्लो किस इलेक्ट्रोड के पीछे आ रही है, अब एनोड के पीछे अगर ग्लो आ रही है तो किस इलेक्ट्रोड से प्रोड्यूस हो रही है, कैथोड से प्रोड्यूस हो रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. देखिए इनको ट्यूब के अंदर कुछ नहीं दिखा, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, इनको ट्यूब के पीछे की तरफ ग्लो दिखा, एंड उस ग्लो को देख के उनको पता चला कि भाई एनोड के पीछे अगर ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली जो कुछ तो निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है, एंड हेंस ही नेम दीज रेस समझाइए. तो इधर से डिस्कवरी हुई कैथोड रेस की. अब ये कैथोड रेस क्यों निकली ये जूलियस कुक को पता था क्या, उसका एक्सप्लेनेशन बाद में जे.जे. थॉमसन ने दिया ठीक है. अभी के लिए इतना ड्रॉ कर लो क्या, उसने पूरे ट्यूब में उसने वो दोनों तरफ ये लगा के रखी थी स्कैंडलेटिंग मटेरियल, सिर्फ उस तरफ चमक आई, उस तरफ चमक नहीं है. साइंटिस्ट जब कोई कैथोड प्रोड्यूस करते उनको पता नहीं रहता ना कहाँ पे ग्लो मिलने वाला है, तो उन्होंने ZNS जो है वो उधर और इधर दोनों तरफ लगाया ठीक है, बस स्कैंडलेशन उस तरफ. चलो भाई चीयर्स.
तुम लोग वीडियो क्यों पहले से देखते रहते हो? तेरा मूल कंसेप्ट में कितना स्कोर आया था भाई लास्ट एग्जाम में? झूठी। जो पहले के टॉपिक थे वो अच्छे से करो बे, पहले मतलब मूल कंसेप्ट एंड ऑल वो एकदम अच्छे से करो। अच्छे से हो जाए तो एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? तो वो मार से एप्लीकेशन डाउनलोड किए, जेई मेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, पहले वो करो। हाँ क्योंकि वो रेडॉक्स के ऑब्वियसली नहीं होगा, नहीं होगा उसमें। वो केमिनोफोर एंड ऑल के क्वेश्चन है ना, केमिनोफोर किधर पढ़ाया मैंने, वो रेडॉक्स में आएगा। अगेन तुम लोगों को पढ़ना है, लेक्चर मत देखो, बिकॉज वो लेक्चर देखने की आदत पड़ जाती है, एक कंफर्ट जोन होता है, कैसे अपने को लगता है समझ रहे हैं। वो तो कोई पढ़ाएगा तो तुम लोगों को समझेगा ही, वो फिर मेरे लेक्चर देखो, किसी और यूट्यूबर के देखो या कोई भी देखो, तुम लोगों को समझेगा बट वो अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है? उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करो, और तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना प्रिफर नहीं करते क्योंकि फिर तुम लोगों को हार्श रियलिटी समझ में आती है। अपने को समझ में आ रहा था, ऐसे लग रहा था बट कुछ समझा, ठीक है? तो बेटर है कि तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बाद में तुम लोगों को अगर फिर भी तकलीफ हो रही है नोट्स रेफर करो। तभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फाइनल रिजल्ट रखना कि वापस लेक्चर देखने जा रहे हो, क्योंकि लेक्चर देखने के लिए बहुत टाइम लगता है, उतना टाइम तुम लोगों के पास है नहीं। अभी लग रहा होगा कि बहुत टाइम है, धीरे टाइम कम होता है, ठीक है? तो मेक श्योर कि तुम कितने जेई के कितने क्वेश्चन आए, 100 है ना, 100 है ना इसके मूल कंसेप्ट के, वो एप्लीकेशन में एप्लीकेशन डाउनलोड किया वो मार्क्स, उसमें कितने क्वेश्चन थे जेई के? 120-110 रहेंगे, क्योंकि वो 2000 से ही आए गए थे, 2000 से 2020 तक के ही है, 2005 से 2020 तक, 1990s का है उसके अंदर। ओके, बट उतने दूर वाले मत सॉल्व करना, रीसेंट ईयर के पहले सॉल्व करना, क्योंकि एनटीए ने पेपर पैटर्न पूरा चेंज किया अच्छा खासा, ठीक है? तो वो सॉल्व करो एंड फिर उसके बाद तुम लोगों को अगर और पीछे जाना, नहीं वो बेसिक कंसेप्ट है उसका नाम रहता है, उसमें क्या मिक्स है, सब कुछ तो पढ़ा के हो गया। वो सब किसमें आता है? मोलारिटी वाले क्वेश्चंस भी होते हैं ना, है कुछ भी ठीक है। अरे मैंने कितने क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व करा है, कितने तो परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी एंड वाले भी क्वेश्चंस है कर रहे हो, जो मोलारिटी वाला लग रहा है छोड़ दो, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें से मेजर पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करो पहले, ठीक है? फिर उसके बाद एडवांस ओपन करके देखो, ठीक है? एक एक टॉपिक पहले वाले एकदम अच्छे करो, आगे वाले टॉपिक करने की इतनी कुछ जरूरत नहीं है अभी, वो तो पढ़ाया जाएगा ना, जब पढ़ाया जाएगा तब तुम लोग चाहिए तो अभी एक लेक्चर आगे का देख के आ गए, दैट इज फाइन। मतलब पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा करके रखा है, कुछ पॉइंट नहीं है, क्योंकि इधर आके तुम लोग फिर ऐसे ही बैठे हो ना, उसी बदले एक लेक्चर पहले से देखा है एंड फिर बाद में तुम लोग मतलब एज अ रिविजन वापिस बैठ रहे हो, तो दैट इज फाइन, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ए भाई अपने को मतलब उसमें कुछ ऐसे पदक नहीं मिलने वाला है कि अच्छा ड्राइंग निकाला, एक नंबर, अच्छे नोट्स बनाए, ठीक है? खुद को समझने जितना करो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला, डायग्राम क्यों बनाने वाले, बनाने बोलने वाला नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऐसे टॉपिक के ऊपर टाइम वेस्ट करो जो जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। Properties of cathode rays, point number one. Properties of cathode rays, point number one. Cathode rays always travel in straight path. Cathode ray always travel in straight path. Always travel in straight path. And always traveling straight path and cast shadows of the object placed in their path. Cast shadows of the object placed in their path. Placed in their path. Point number two.
they possess mechanical energy. They possess mechanical energy. They possess mechanical energy. चलते चलते mechanical energy. And when a pinwheel and when a pinwheel pin pin wheel is placed pinwheel is placed in their path it starts moving when a pinwheel is placed in their path it starts moving ठीक है मतलब यहाँ पे अगर छोटा सा ऐसे मैं पंखा रख दूँ जो कि ऐसे पिन के साइज पे फिट हो सके समझ में आ रहा है तो ये कैथोड रे से टकरा के क्या होगा रोटेट करना स्टार्ट करेगा मतलब दे पजेस सम मैकेनिकल एनर्जी ठीक है जिसकी वजह से ये रोटेट कर पाता है ठीक है पॉइंट नंबर थ्री व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक पॉइंट नंबर थ्री व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मैग्नेटिक When placed in electric or magnetic field, electric and magnetic field, they get deviated. देखो मैं यहाँ पे अगर मैं दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दू समझे यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर मैं दो एक्स्ट्रा की इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दू एक है पॉजिटिव दूसरा है नेगेटिव मुझे पता कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहते हैं नेगेटिव चार्ज अब मुझे पता ये वेव्स किस तरफ डिवेट होंगी फिर मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तो ये प्ले रेज जो है वो अपनी पाथ छोड़ के ऐसे करेक्ट ये अपनी पाथ चेंज करके पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ डिविएट हो जाती है समझ में आ रहा है ओके पॉइंट नंबर जो कुछ दे ओके दे आर फ्लोरोसेंट दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस विथ स्किंटिलेटिंग मटेरियल They produce fluorescence with scintillating material. Scintillating material. मतलब वो वहाँ पे जो example था, ठीक? Point number five. They can pass through thin sheet of aluminium. थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम ठीक है देख उनके पास एक ऐसे पतली सी एल्यूमिनियम की शीट है और दूसरी ऐसे मोटी सी एल्यूमिनियम की शीट है ठीक है तो तुम लोग इसमें से क्या पास कर रहे हो कैथोड रेज तो कैथोड रेज इसे पेनिट्रेट करके इजीली पास हो पाती है इसे पेनिट्रेट कैथोड रेज कर नहीं पाते समझ में आ रहा है कुछ करेक्ट यस इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड रेज रहते तो देखो भाई यहाँ पे होता क्या है यहाँ पे होता ये है कि अगर तुम लोग एकदम थिन शीट यूज कर रहे हो तो अगेन दीस शीट्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम विच इज नथिंग बट एटम तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे एटम है अब एटम जब पैकिंग करते हैं ना तो उनकी पैकिंग हमेशा 100% नहीं रहती यहाँ पे बीच में दिख रहा है ये गैप इसे बोला जाता है वॉइड क्या बोलेंगे इसको हम लोग वॉइड अब तुम लोग जब एकदम पतली शीट यूज करोगे तो ये वॉइड के अंदर से तुम लोगों का इलेक्ट्रॉन पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बट जब तुम लोग थिक शीट यूज करोगे तो देख ये फर्स्ट लेयर थी एटम्स की अब इस एटम के लेयर के ऊपर दूसरे भी एटम्स आएंगे ना भाई क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तो मुझे बता तुम लोगों के वॉइड्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो फिर बाद में इलेक्ट्रॉन पास हो पाएगा क्या समझ में आ रहा है कुछ ओके तो पॉइंट नंबर सिक्स ट्रांसपेरेंट
लाइक आउटर समझ में आ रहा है ठीक है ओके पॉइंट नंबर सिक्स दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट ठीक है तुम लोगों ने एक्सरे निकाले कर लो तो एक्सरे की जो शीट रहती है ना वो एक्चुअल में पहले से ना ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहती है जब उसके ऊपर एक्सरे गिरते हैं तो वो ब्लैक बनती है समझ में आ रहा है ठीक है हाँ एक्सरे की शीट जो रहती है मतलब ये एक्चुअल में बिगिनिंग में ट्रांसपेरेंट शीट रहती है ट्रांसपेरेंट या फिर ऐसे थोड़ा सा ब्लूश थोड़ा सा ठीक है इस ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर ये तुम लोगों का हाथ जो फ्रैक्चर हुआ है ठीक है इधर से फ्रैक्चर अंदर की तरफ है ना बे इसलिए दिख रहा नहीं है गदो थोड़ी ना ऐसे फ्रैक्चर होता है ना ये हड्डी टूटी है ऐसे तो तुम लोग इसके ऊपर थ्रो करते हो एक्सरेज ये देखो बच्चों बड़ा ये शीट बिगिनिंग में कैसे थी कलरलेस थी अब जिस पॉइंट तुम लोगों का हाथ है इधर से एक्सरेज पास हुए एक्सरेज तुम्हारे हाथ में से भी पास हो सकते हैं बस जहां पे बोन आते हैं वहां पे एक्सरेज क्या हो जाते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं समझ में आ रहा है जैसे वो एग्जांपल था ना कि थिन शीट थिक शीट तो ये अपनी थिन शीट है बट बोन आया तो थिकनेस बढ़ गई ना फिर हार्डनेस बढ़ गई तो वहां पे एक्सरेज पास हो पाएंगे क्या तो जितना पार्ट बोन का है ना वो उतना पार्ट तुम लोगों को दिखाई देता है समझ में आ रहा है बाकी सब कुछ ब्लैक कलर का हो जाता है बिकॉज दे गेट्स अफेक्टेड बाय एक्सरेज क्या बता उसमें ठीक है तो अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट का मीनिंग समझा चलो बस हो गया टाइम पास अब नेक्स्ट उनकी प्रॉपर्टीज सेवन पॉइंट उनकी प्रॉपर्टीज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन ना तो देयर मास ये हम लोगों ने पहले भी किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इनटू 10 रेज टू माइनस ये थिकनेस कम हो गई क्या इसकी पेन की थिकनेस कम हो गई अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 कूलम ठीक है ओके अब इसके बाद तुम लोगों को एक पूछा जाता है स्पेसिफिक चार्ज बता कौन स्पेसिफिक चार्ज मतलब अबे और मैंने स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है वो नहीं पूछा था मैंने पूछा था उसका मीनिंग क्या नंदिश कुछ सुन रहा है नहीं तो स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज ऑफ 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन पहली बात तो बाकी उसका आंसर करेक्ट है तो चार्ज ऑफ 1 kg इलेक्ट्रॉन ठीक है अब 1 kg इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए व्हाट वी विल डू वी विल टेक रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ठीक है अब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना रहता है बे एंड मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इनटू 10 रेज टू माइनस 31 kg अब 9 से डिवाइड करते चलो 9 का टेबल सबको आता है 9 0 1.6 16 मतलब 9 1 बराबर ना बे तो कितने बच गए 7 बच गए 7 बच गए तो 9 70 हो गया 9 7 7 63 बराबर ना बे वापस 7 बच गए चलते रहेगा समझ में आ रहा है ठीक है तो इनटू 10 रेस टू माइनस देख कितना होगा माइनस सॉरी माइनस 19 था नीचे से प्लस 30 गया कितना बचा प्लस 12 समझ में आ रहा है दिस इज अप्रॉक्स आंसर ठीक है एंड एग्जैक्ट आंसर आता है 0.167 इंटू 10 रेस टू 11 ठीक है दिस इज एग्जैक्ट आंसर अगेन तुम लोगों को ये सब याद रखने की वैसे जरूरत नहीं रहती है तो फाइनल आंसर बनेगा 1.67 इंटू 10 रेस टू ये 11 क्यों कर दिया मैंने 10 रेस टू 11 ये एग्जैक्ट है वो 12 रहना चाहिए था ना ये समझ में आया क्या ठीक है लिख दो हाँ मुझे अचानक से इसकी थिकनेस चेंज हो गई ऐसे क्यों लग रहा ना हो गई है ना ये वाला और वो वाला ठीक हो गया
ये थीम है ना, ये सब ठीक है। नहीं, मुझे वो लिखते वक्त अनकंफर्टेबल लग रहा है। ओके क्या बोल रहे पहली बात, इसका यूनिट तो ऊपर क्या है कूलम एंड नीचे गए केजी, तो कूलम पर केजी, चार्ज ऑफ 1 kg इन कूलम, ठीक है। ओके अब यार ये पूरा हमारे ये इस तरह का कौन थी भैया तो वैसे 2.5 hours से कंट्रोल करके रख नहीं सकते क्या बे? हाँ गौरी आगे बढ़े, यही हाँ बोली ना, और फिर बाद में चलो आगे बढ़ते। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब एक्चुअल में कैथोड रेज प्रोड्यूस कैसे होती है, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो हेडिंग डालना हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड, हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस। बोर्ड में तो आता ही नहीं है, बस सिलेबस में है क्या? बोर्ड्स में 12th का सिलेबस रहता है ना, 11th का किधर रहता है? हाँ, बस थियरी अपने को पढ़नी पड़ती है, मतलब ना पढ़े तो मतलब वो आधा अधूरा पढ़ा ऐसे लगेगा ना, इसलिए अगर मेरा बस चले तो मैं तो सिर्फ जो क्वेश्चन आते हैं वो उतना पार्ट पढ़ा के खत्म कर दूं टॉपिक, बट अभी क्या करें। ओके तो देखो भाई, लेट्स अज्यूम, देख भाई दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में गैस थी, तो लेट्स अज्यूम ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो गैस है ना वो है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? अब हाइड्रोजन गैस एकदम गरीब गैस, जिसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, बराबर पे। अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एकदम सुखी थे, मस्त अट्रैक्शन था इन दोनों के बीच में, स्टेबल फॉर्म था। फिर बाद में हम लोग बाजू से ना एकदम भयंकर तगड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज ला के आगे पे, ठीक है, एंड यहां पे नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे मैंने बोला अपना हाइड्रोजन का एटम बेचारा गरीब, उसके बाद एक ही प्रोटॉन है, और अब उन्होंने इधर बाजू में इतना तगड़ा पॉजिटिव चार्ज लाया, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया ना भाई, अमीर हो गया बहुत। बाकी तुम लोगों को दुनिया की हार्श रियलिटी पता है। तो होने का लगा, देख भाई ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन पहले से था, ठीक है, बट इस इलेक्ट्रॉन ने इस पॉजिटिव चार्ज को देखा, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन को देखा, एंड फिर इन दोनों के बीच में होने लग गया अट्रैक्शन अलग वाला। तो देख बे, बट ऐसा थोड़ी ना होता है, कैसे देखा है चल भाई मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे, तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन है ना थोड़ा थोड़ा ऐसे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया। ये बेचारा प्रोटॉन से दूर, आजकल इन दोनों में ज्यादा बात नहीं हो रही है, ज्यादा कुछ मैसेजेस नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद ये और दूरियां बढ़ते गई, बेचारा प्रोटॉन अपना गरीब, ठीक है। एंड एक पॉइंट आ जाता है जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में बहुत दूरियां हो गई, फिर ये तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ग्रैब से पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, एंड देन इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज एनोड। ये मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रही है पक्का? अब देखो भाई यहाँ पे दो प्रोसेस हुई, मुंह बंद रखो जरा, यहाँ पे दो प्रोसेस हुई। एक प्रोसेस हुई जहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में दूरियां बढ़ते गई, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? अब पोलराइजेशन प्रोसेस का मीनिंग रहता है सेपरेशन ऑफ चार्ज। देख भाई जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक थे, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एकदम नजदीक थे ना भाई, तो
तो दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, कैंसिल आउट। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसे दूर जाने लग गया, तो इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, प्रोटॉन दूर चला गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर, एंड दिस प्रोसेस सेपरेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज, क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? तो पहले हुआ पोलराइजेशन, पहले क्या हुआ पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से बाहर निकल गया, उसे हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। क्या बोलेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर निकलने के बाद अपने पास बच जाते हैं सिर्फ आयन। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो प्रोसेस हुई, नंबर वन इज पोलराइजेशन, नंबर टू इज, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था मतलब दूर जा रहा था, पोलराइजेशन सेपरेशन ऑफ चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से बाहर निकल गया, आयनाइजेशन। दोनों प्रोसेस समझ में आ रही? तो मुझे बता कैथोड रेस किस चीज की वजह से बनते हैं? आयनाइजेशन की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर निकलने की वजह से। एंड ये जो चार्ज इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव, वो करंट है क्या? वो इलेक्ट्रॉन है। ना ना, हाँ, बट वो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये आयनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? करंट की मतलब यहाँ पे करंट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी क्या? नहीं, बहुत वीक होगी, बिकॉज बहुत कम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, मतलब समझ में आ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो कैथोड रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट, देख इस कैथोड से इधर की तरफ करंट पास हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? सिर्फ इसकी वजह से पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन की वजह से आयनाइजेशन होकर फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। गेटिंग इट? ठीक है, तो कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन। अब देखोगे आयनाइजेशन में, लेट्स अस्यूम तुम लोगों ने हाइड्रोजन गैस यूज की, तो हाइड्रोजन गैस पे से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बचेगा? सिर्फ H प्लस बचेगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गया। लेट्स अस्यूम हम लोगों ने ऑक्सीजन गैस यूज की रहती, तो ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालो क्या बचेगा? O प्लस प्लस। लेट्स अस्यूम तुम लोगों ने क्लोरीन गैस यूज की रहती तो क्या बनता? H प्लस प्लस। अब मुझे बता दे, तुम लोग कोई भी गैस यूज करो, तुम लोगों के इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही रह रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो मुझे बता, ये इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से बने हैं कैथोड रे, उसका नेचर, गैस का नेचर चेंज करने से चेंज हो रहा है क्या? तो मुझे बता, कैथोड रे का नेचर गैस के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? तो उसके आगे नीचे वो आयनाइजेशन के नीचे लिख देना दैट कैथोड रेज आर, मतलब नेचर ऑफ कैथोड रेज। हाँ, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, ये सिर्फ नोट लिख दो, तो डायग्राम बनाने के लिए आराम से टाइम लेना। एक छोटी सी नोट लिख दो पहले, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, 10-12 लाइन छोड़ के, जितना लगेगा उतना। नेचर ऑफ कैथोड रेज, नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, independent of the gas used in cathode ray tube, जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं CRT। ठीक है, the gas used in cathode ray tube CRT। ठीक है, टीवी से देखी थी तुम लोगों ने बचपन में, डब्बा टीवी, डब्बा टीवी को सीआरटी बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब टीवी। उसके पीछे की तरफ है ना, ऐसा एक है ना, ऐसे लास्ट में बल्ब रहता था, कभी देखा है तुम लोगों ने टीवी ओपन होने के बाद? हाँ, ये ऐसे कभी देखा है तुम लोगों ने वायर, मतलब ऐसे टीवी खराब हो गई तो ऐसे, मतलब इलेक्ट्रिशियन आके तुम लोगों के घर पे वो ये करता था, तो इसके कभी खराब नहीं, खराब होने का डायरेक्ट नहीं, पापा नहीं तो जो लोग गरीब थे मेरे जैसे, तुम्हारे घर तो मैकेनिक आया था ना इलेक्ट्रिशियन, तो ऐसे टीवी ओपन की जाती थी, टीवी ओपन होने के बाद उसके अंदर अपने को एक से बल्ब दिखता था, वो बल्ब कैथोड रे ट्यूब थी। ठीक है, तो इसलिए उन टीवी को बोला जाता था कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, डब्बा टीवी, इंडिया में डब्बा टीवी। तो हाँ, एक मिनट,
क्या क्या है उसमें कॉपीराइट वो पूरा वीडियो दिखाने के बाद एंड ऑल ऐसा रहता है, इतना कुछ प्रॉब्लम है। हाँ वही मतलब इसलिए तो क्या हाँ वही बोल रहा हूँ नहीं होगा हम लोग अगर पूरा वीडियो अगर देखेंगे और ऐसे अपलोड करेंगे तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम। ओके तो कैथोड ट्यूब दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे जो ये बीच में ऐसा ले पॉज नहीं होता कि बीच में से हाँ हो गया ना हाँ, तो यहाँ पे जो ये बीच में व्हाइट पार्ट दिख रहा है दैट इज योर स्किन रिलेटेड मटेरियल पार्ट, समझ में आ रहा है? तो उसने वो पूरा ट्यूब के ऊपर कोट करके रखा है, ठीक है, जैसे ट्यूबलाइट में वो पूरा ट्यूब के ऊपर कोटिंग रहती है ऐसा, ठीक है। तो अब देखो स्टार्टेड सून दिख रहा है, तो देखो जहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है जहाँ से वो लाइट जहाँ स्टार्ट होगी पीछे की तरफ वो पूरे मटेरियल की कोटिंग है जिसके अंदर चमकते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है जो कि एनोड है जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है विच इज कैथोड जो इलेक्ट्रॉन्स को उधर से टेक कर रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड यही हम लोग टीवीज में यूज करते थे, समझ में आ रहा है फ्लोरोसेंस कैसे दिखता है एंड ऑल। अभी ये पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, यहाँ पे बहुत सॉलिड इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा, यहाँ पे वो खत्म हो रहा है, ये काइंड ऑफ इट इज काइंड ऑफ लाइक अ बल्ब, यहाँ पे वो इलेक्ट्रोड खत्म हो रहे हैं। क्या ट्यूबलाइट का प्रिंसिपल थोड़ा तो अलग रहेगा ना, ऑब्वियसली अंदर मटेरियल अलग है सब कुछ अलग है। ओके सो दिस इज सब टिपिकल का कैथोड रे ट्यूब एंड देखो अब नाउ इज टेकिंग अ मैग्नेट टुवर्ड्स इट, मैग्नेट को लेकर जाते ही तुम लोगों को समझ में तो ये डिबेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा चार्ज पार्टिकल से बिकॉज समझ में आ रहा है वो उससे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ओके दैट्स इट नथिंग एल्स, चलो खत्म करते हैं बॉटल क्या नहीं नहीं वो हेल्प किया हुआ है वो ट्यूब पहले से ही ये रहती है वैक्यूम रहती है पहले से ट्यूब सील्ड है एंड वैक्यूम ट्यूब ही रहती है, मतलब करते हो ये रहता है ना बे क्या बोलते हो उसको बल्ब उसमें भी तो वैक्यूम रहता है ना तो वैक्यूम भी है मतलब ये खरीद के मिलती है वो कोई बनाए हुए ट्यूब नहीं है वो अपडेट आ रहा है इसको लिखो बे बोलो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में अभी लिखने की जरूरत नहीं है। Thank you.
चलो तो स्टार्ट करें नाउ नेक्स्ट। अब देखो मैं तो क्या टाइम पास क्या कर रहे हो? अपने बाद में टाइम पास क्या कर रहे थे? चलो फिर जल्दी लिखो नेक्स्ट रूम डालना, बातें करना बंद करो, बस हो गया। याद रखो कैथोड रेज में हम लोग डिस्कवर किए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ये समझाना था इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, वो जो कैथोड रे थी। ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? तो ये एक्सप्लेनेशन देने का काम किया था जेजे थॉमसन ने, ठीक है? तो जेजे थॉमसन गेव दिस एक्सप्लेनेशन। सो जेजे थॉमसन ने इन शॉर्ट डिस्कवरी की, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? लास्ट ईयर गलती से मैंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जेजे प्लकर ने की थी, ऐसे बोला था वो, जरा जेजे प्लकर बोल रहा हूँ, जूलियस प्लकर, ठीक है? तो अगर तुम लोगों ने गलती से लिखा होगा तो वो चेंज कर देना, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अब देख, बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, हाँ ठीक है, गोल्डस्टाइन, ठीक है? अब इन्होंने सोचा कि अब जैसे कैथोड से कुछ तो बाहर निकल रहा है, क्या भरोसा एनोड से भी निकलता होगा, तो उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट रिक्रिएट करने की कोशिश की, ठीक है? तो सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट, सारी कंडीशन सेम, ठीक है? एंड सेम फिल्टर पंप लगाया यहाँ पे, पंप लगा के रखा वैक्यूम पंप, सेम वोल्टेज पास किया 10^4 volt, सेम यहाँ पे प्रेशर मेजर किया 10^-4 एटमोस्फियर। बस अभी उन्होंने क्या किया, पूरे ट्यूब में, मतलब इस तरफ भी स्किंटिलेटिंग मटेरियल अटैच कर दिया है, इस तरफ भी लगा के रखा है, ठीक है? एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई कुछ तो होगा, बट कुछ तो देख, पहले का जो था वो सेम टू सेम अरेंजमेंट थी, एंड ही फाउंड दैट हाँ भाई कैथोड रेज आर बीइंग प्रोड्यूस, कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही है क्या? तो हाँ हो रही, ठीक है? कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी, जो कि कैथोड के पीछे जाके यहाँ पे स्किंडलेशन दे रही थी। आगे ये रेज अपने को दिख रही थी क्या? नहीं, ट्रांसपेरेंट थी, मतलब ट्रांसपेरेंट या फिर इनविजिबल थी,
बस अपने को दिख रहा था कि भाई स्किंटिलेशन आ रहे हैं, बट ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि दूसरे साइड पे भी ऐसा कुछ आना, बट आया। तो सोचा अब देख कैथोड रेज इसके पास हो रही है ना, इसके थ्रू पेनिट्रेट होकर पास हो रही है, बट उसने सोचा कि शायद से जो एनोड से कुछ निकल रहा पार्टिकल वो पास नहीं हो पा रहे, समझ में आ रहा है। अब पास ना होने का रीजन क्या हो सकता है? बिकॉज ऑफ इट्स साइज, उसकी साइज बहुत बड़ी होगी तो वो पास नहीं हो पा रहा होगा, मैं क्या बेटर समझ में आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख दे, तुम लोगों के घर की ये विंडो है, इस विंडो में से यहां से मतलब कांच है, ठीक है, और यहां से एक पंछी आ रहा है उड़ के, तुम लोग लगा मुझे ड्राइंग करने आती नहीं है, वो बिगिनिंग में थोड़ी ना वो गोल बनाने का, तुम लोग पंछी बन गया, टाइम लगता है ना बनाने के लिए। चलो तो ये पंछी इधर से उड़ के आ रहे हैं, तुम लोग उसको देख रहे हो, ठीक है, ये तो हुआ, तुम लोगों ने देखा अरे पंछी आ रहे हैं, ठीक है, एंड तुम लोग कि इधर जाके इधर की तरफ झाड़े, इधर जाके बैठने वाले, ठीक है, ये तुम लोग घर के अंदर हो, खिड़की के बाहर का सब कुछ सीन है, ठीक है, तो तुम लोग ये इधर जाने वाले, बट तुम लोगों को पता नहीं था कि उसको लगा, उसको कांच दिख नहीं रही है, उसको लगा कि वो डायरेक्ट घर में एंटर करेगा, तुम लोगों की शक्ल खराब थी, उसको मारना था तुम लोगों, ठीक है, तो उसको लगा कि वो घर के अंदर एंटर करने वाला, उसको कांच दिखी। अब वो जब इस तरफ आएगा ना, वो पेनिट्रेट कर पाएगा कांच को? नहीं, कांच इतनी भी सस्ती नहीं है, टूटने नहीं होती, ठीक है। अब तो ये पेनिट्रेट कर पाया क्या? अब इसे पेनिट्रेट करने के लिए तुम लोग क्या करना पड़ेगा? कांच विंडो में एक होल करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पाएगा, क्या बोल रहा समझ में आ रहा है। बट उसी बदले अगर कोई छोटा पार्टिकल रहता, डस्ट पार्टिकल, तो डस्ट पार्टिकल ये विंडो के बीच में जो गैप रहती है, मतलब विंडोज के बीच में ऑब्वियसली थोड़ी गैप रहती है, वो पेनिट्रेट कर पाता है क्या? स्मॉल पार्टिकल छोटे गैप्स को पेनिट्रेट कर पाते हैं, बड़े पार्टिकल कर पाएंगे क्या? तो यही लॉजिक उसने भी अप्लाई किया, उसने बोला शायद से जो एनोड से पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं ना, उनकी साइज बहुत, तो इसलिए वो पेनिट्रेट कर। तो उन्होंने क्या सोचा, कैथोड के अंदर क्या बनाएंगे? होल्स, ठीक है। तो देखो भाई, ही थॉट दैट सेम थिंग, एंड उन्होंने बोला कि यार एक काम करते फिर कैथोड के अंदर होल्स बनाते हैं, समझ में आ रहे कुछ? ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कैथोड परफोरेटेड यूज किया, होल्स बनाना मतलब परफोरेशन है। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे होल्स बना दिए कैथोड के अंदर, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड फिर उसके बाद कैथोड की तरफ भी कुछ तो रेज आना स्टार्ट हो गई, एंड अभी वो दिख रही थी बिकॉज वो पीछे की तरफ स्किंटिलेशन दे रही थी, क्या बोल रहे समझ में आ रहा है? और ये अभी पार्टिकल्स क्यों पास हो पा रहे हैं? बिकॉज कैथोड इज परफोरेटेड, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, अगेन सेम लॉजिक देख भाई, ये कैथोड था और वो लास्ट वाला एनोड है, ठीक है, पहले कैथोड से ही रेज आती हुई दिख रही थी, बट अभी एनोड से भी दिख रही है बिकॉज एनोड कैथोड इज परफोरेटेड, समझा कुछ? तो अब ये जो रेज है जो कैथोड के पीछे स्किंटिलेशन दिखा रही है वो कहां से आ रही है? तो हेंस दे आर एनोड रेज, समझ में आ रहे हैं? अब एनोड रेज प्रोड्यूस कैसे होती है? देखो भाई, एनोड रेज प्रोड्यूस कैसे होती है? सेम लॉजिक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक साथ से, अब मैंने वहां पे बहुत भारी वाला चार्ज लगा दिया, बहुत भारी वाला चार्ज लगा दिया अपना इलेक्ट्रॉन, बट अपना प्रोटॉन शरीफ है क्या? अब उसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो भी किसी और तरफ जाएगा, तो वो किस तरफ जाना स्टार्ट हो गया? नेगेटिव की तरफ। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? वो अस्पर को एक्सपीरियंस है, ऐसे ऐसे टाइम पे क्या करना, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाने के बाद जिम ज्वाइन करनी है, तो दैट दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए। बट फिर उसको पता चलता है कि साला जिम में जाने के बाद फिर ना अपने जो फ्रेंड रहते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, भाई डंबल्स उठा रहा है, बाइसेप बना रहा है, वो लड़के ही इंप्रेस होते हैं वहां पे, लड़कियां कभी होती ही नहीं है। तो
बट ठीक है चलो हम लोग डिबेट हो गए ठीक है हम वापस क्या हो रहा है मुझे कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ी भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं रहती तो जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती चलो यहाँ पे आ जाओ पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी चीजें डिस्कस करने लगी आप लोगों तो देखो बे यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं हाँ तो देख बे ये इलेक्ट्रॉन गया इलेक्ट्रॉन जाने के बाद अपने पास पॉजिटिव चार्ज बचा जो कि पॉजिटिव चार्ज चला गया एनोड की तरफ कैथोड की तरफ बट अगेन देखो तुम लोग अगर देखोगे इलेक्ट्रॉन की साइज एक्चुअल में बहुत छोटी है बट अपने पूरे एटम पॉजिटिव चार्ज की तरफ बहुत बड़ी थी ये इधर से आर पार जा पा रहा था क्या इसलिए हम लोगों ने एनोड कैथोड के अंदर क्या किए परफोरेशन ऐड किया होल्स ऐड किए समझ में आ रहा है कुछ पक्का ओके बाकी कुछ चेंज हुआ है क्या अब वापस ये सारी प्रोसेस हो रही है आयनाइजेशन की वजह से अब आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन तुम लोग गैस चेंज करो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है क्या बट तुम लोग गैस चेंज कर रहे हो तो तुम लोगों की एनोड रेज मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो चेंज हो रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तो मुझे बता एनोड रेज का नेचर ये गैस के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा समझा ओके चलो इसके आगे वाले डायग्राम फटफट बनाओ अभी फास्ट डायग्राम बनाना जरा उसके बाद प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे इनकी कभी भी जाऊंगी कभी रोकूंगा नहीं तुझे जब जाना है तब जा सकते तो लेक्चर छोड़ पता है मतलब तू पढ़ लेगी कितना किधर से सॉरी ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया नहीं वो तो मोल का सबने पढ़ा है बाय बाय नहीं समझा किसी को चलो मस्त जगह एकदम हेवन ऑन अर्थ ये लेक्चर यूट्यूब पे जान पा रहे ना चलो आगे बढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज गौरी ओके तो लिख के हो गया चलो आगे बढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज पॉइंट नंबर वन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज All properties of anode rays. All properties of anode rays is similar to cathode rays. Is similar to cathode rays. क्यों वापस लिखने का ना मैं इतनी मेहनत वही सही ना is similar to anode. कितना सोचता हूँ तुम्हारे बारे में मैं हुई बचपन से ही अच्छा हूँ मैं is similar to anode rays. Point number two. मैं देख रहा था गौरी का ध्यान इट्स सिमिलर टू कैथोड रेस ठीक है पॉइंट नंबर टू अब मुझे पता गैस चेंज करने से कैथोड रेस का नेचर चेंज एनोड रेस का नेचर चेंज हुआ क्या एनोड रेस का नेचर चेंज हुआ बराबर सो देयर प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में लिखना मास देयर प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में लिखना मास डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस यूज्ड देयर प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में लिखना मास डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस यूज्ड ओके नेचर ऑफ गैस यूज्ड ये पॉइंट समझाना सेकंड पॉइंट पॉइंट नंबर थ्री इन इलेक्ट्रिकल फील्ड
they deviate towards negative charge. They deviate towards negative charge. Hence they possess positive charge. They deviate towards negative charge, hence they possess positive charge. ठीक है? बोलो तुझे हाँ देख तो ये रेस जो प्रोड्यूस हुई वो किसकी वजह से हुई? आयनाइजेशन की वजह से. अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाएगा एंड बाकी बचा हुआ एच प्लस नेगेटिव की तरफ जाएगा. अगर ऑक्सीजन गैस यूज कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे, तो ऑक्सीजन गैस अगर यूज करते तो ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा एंड जो ओ प्लस बचेगा ये इस तरफ जाएगा. अब फ्लोरिन अगर यूज करोगे तो फ्लोरिन का इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा एंड बाकी जो एफ प्लस बचेगा वो इस तरफ जाएगा. प्लस चार्ज नेगेटिव की तरफ भागेगा ना बे. तो अगर तुम लोग गैस चेंज कर रहे हो तो कैथोड की तरफ भागने वाला मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ भागने वाला स्पीशीज जो है वो भी चेंज हो रहा है, बराबर ना. तो इट्स नेचर डिपेंड्स ऑन गैस यूज. जैसे जैसे तुम लोग गैस चेंज करोगे एनोड रेस का नेचर भी चेंज होगा. समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है. अब नहीं, चार्ज सेम है ना, चार्ज के ऊपर वो डिपेंड करता है. अब क्या वो कैथोड ही है? देख इलेक्ट्रोड इज जस्ट अ प्लेट. ठीक है, अगर तुम लोग ऐसे देखोगे तो इलेक्ट्रोड ऐसे प्लेन दिखेगा, ऐसे देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा. तो मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे प्लेटेड बताया सो दैट आई कैन ड्रॉ दोस होल्स. ठीक है. नहीं, अब इसके बाद बोलो. हाँ, स्किंडलेटिंग मटेरियल का नेचर चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी माइनस वन, इसके ऊपर भी प्लस वन, सेम. अब देखो, हम लोगों ने एनोड रेस का मास निकालने का सोचा. अब एनोड रेस का मास हर टाइम चेंज हो रहा था तो अपने को सबसे छोटे पॉजिटिव चार्ज का मास निकालना. सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज कौन है? H प्लस आयन. एंड देख, H प्लस आयन को ही हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन. क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है. एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ क्या बच गया? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए यहाँ पे अभी हम लोग जो भी मास देखेंगे वो हाइड्रोजन का ही मास है, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन प्रोटॉन. तो बाद में हम लोगों ने मास ऑफ प्रोटॉन निकालने की कोशिश की एंड ये मास ऑफ प्रोटॉन अपने को मिला 1.67 इंटू 10 रेज टू. बाद में हम लोगों ने चार्ज ऑन प्रोटॉन निकालने की कोशिश की, ये अपने को मिला 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम, बराबर. फिर बाद में हम लोगों ने सोचा अभी एक काम करते, इसका स्पेसिफिक चार्ज भी निकाल ही देते. तो इसका स्पेसिफिक चार्ज हम लोगों ने निकालने की कोशिश की. समझे? इसका स्पेसिफिक चार्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक चार्ज? चार्ज ऑन 1 kg ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. अब ये अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो कैसे होगा? देख भाई, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ वन सिंगल प्रोटॉन. समझ में आ रहा है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम. मास ऑफ प्रोटॉन इज, जिसे हम लोग लिखते हैं 5/3. क्या लिखते हैं बेटा? दो इंटू 10^-27 kg. देख बे, चैप्टर खत्म हो गया इसलिए ट्रिक्स भूल जाओगे, ऐसे मत करना. वो ट्रिक सारी जगह पे अप्लाई होती है. तो 5/3 का 3 डिवीजन का डिवीजन में, तो वो ऊपर जाके न्यूमेरेटर में मिट गया होगा. तो व्हाट यू विल गेट? 1.6 × 3. 1.6 × 3 कितना होगा? 4.8 इंटू 10^-19 इंटू 10^-27 ऊपर लेके जाओ, 10^+27 अपॉन 5. 5 का टेबल आ गया तो ये हो जाएगा 0.5. 9 3 बज गए, 9 तो 6 बराबर इंटू 10^+7 बराबर. एक है प्लस 7 का दो, तो फाइनली यू विल गेट 9.6 इंटू 10. तुम लोग नोट्स नहीं देख रहे हो ना? चलो नोट्स देख देख के आंसर बोल रहे हो ना.
ओके तो देखो यहाँ पे फाइनल क्या यूनिट क्या आएगा, कूलम पर केजी। ये समझा गया 10^7 क्यों आया, एक डिजिट शिफ्ट कर दिया। लिख दो एक तुम लोगों का टाइमिंग 1 बजे तक रहता है। लेक्चर के बाद तो तुम लोग 1 घंटे तक बीपीवी की सॉल्व कर रहे थे ना, 9:30 से 10 बजे तक ही सॉल्व करते हैं। ब्रेक मारना नहीं, मैं लेट मतलब मैंने इन्फॉर्म किया था कि आज 10:30 से लेक्चर लेना है। क्या बोल रहे हैं? अरे हाँ, मेरा लेक्चर का टाइमिंग 2:30 का है, तो मैं 2:30 लेक्चर लूंगा। फिर बाद में तो पहली बात 3.5 पढ़ के थक जाना तो मतलब नहीं होगा भाई, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। तुम लोगों को सिलेबस ही कितने आवर्स का पता है क्या? सिर्फ केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म करने के लिए मिनिमम 360 आवर्स लगते हैं। 360 आवर्स ठीक है, तो तुम लोग 2.5 के लेक्चर्स सिर्फ ले रहे हो ठीक है। 2.5 में थकोगे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तुम लोगों का कभी ठीक है। चलो करो ओवरऑल सिलेबस पकड़ के चलो टेंटेटिवली 1100 आवर्स का, 1100 ठीक है। 1100 आवर्स 2.5 से डिवाइड करते बैठो, नहीं नहीं बोल के 440 लेक्चर लगेंगे, 440 लेक्चर ठीक है। नहीं केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स ओके। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या मतलब, अभी तक कुछ पढ़ने जैसा पढ़ा है क्या? सिर्फ थियरी तो आ रही है यार। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट लास्ट वन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे आखिर में हुई थी, बहुत लेट हुई थी। इसका रीजन क्या था? उसमें वो चार्ज ही नहीं था। चलो अपने सब जन यहाँ पे देखेंगे, कोई बात नहीं करेगा। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नेक्स्ट रीजन है ना। देखो भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सॉरी हाँ तो क्या करके रही है तू? चलो बस बस छोड़। अब यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ठीक है। तो अब चैडविक वॉज परफॉर्मिंग सम न्यूक्लियर रिएक्शन ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन अगर तुम लोगों के क्वेश्चन मतलब पेपर में आ गई तो तुम लोगों का नसीब बहुत अच्छा है ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है वो देखो, और उसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है ठीक है। एकदम सिंपल रहता है, अभी जो मैं रिएक्शन दिखाने वाला चैडविक ने की थी वो थी, बट इसके अलावा कोई भी रिएक्शन है इसी मैनर में होती है ठीक है। सबसे पहले देखो चैडविक वॉज रिएक्टिंग या फिर ट्रीटिंग बेरिलियम एटम ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 4, मास नंबर रहता है 9 ठीक है, विथ अल्फा पार्टिकल्स। किसके साथ कर रहा था वो? अब अल्फा पार्टिकल्स क्या रहते हैं? वेरी नाइस। तो अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम एटम्स ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 2, मास नंबर रहता है 4। अब हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन तुम लोगों ने बाहर फेंक दिए तो हीलियम के ऊपर कौन सा चार्ज बनेगा? प्लस, क्योंकि माइनस चार्ज तुम लोगों ने बाहर निकाला। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो अल्फा पार्टिकल्स आर डाई पॉजिटिव हीलियम एटम्स। डाई पॉजिटिव का मीनिंग समझ में आता है? 2 पॉजिटिव ठीक है। तो डाई पॉजिटिव हीलियम एटम्स है वो, एंड यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड कर रहा है। बम्बार्डमेंट समझ में आ गया ना ठीक है। तो
हीलियम 2 प्लस, इसके चार्ज से कुछ मैटर नहीं करता एक्चुअली, चार्ज हम लोग लिखेंगे छोड़ो, एंड नीचे 2 एंड ऊपर 4, ठीक है। एग्जाम में तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हेन दीस टू आर रिएक्टेड अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड एंड अ कंपाउंड एक्स इज फॉर्म्ड। देखो भाई क्वेश्चन का नेचर, अ कंपाउंड एक्स इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स, या फिर व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर ऑफ एक्स, या फिर दोनों पूछेंगे व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? अब न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एक ट्रेंड याद रखना, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर के एडिशन उस तरफ भी और इस तरफ दोनों तरफ सेम रहनी चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर की भी एडिशन दोनों तरफ क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब तुम लोगों को न्यूट्रॉन का मास नंबर एटॉमिक नंबर दिया नहीं रहता, इट इज एक्सपेक्टेड कि दैट यू नो इट, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0, तो एटॉमिक नंबर 0, न्यूट्रॉन का मास तो ये 0, 1, ये तुम लोगों को पता रहना चाहिए। तो मुझे बताइए एक्स के लिए, देख भाई 4 + 2 = 6, इस तरफ सिर्फ 0 है ना, तो इधर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। 9 + 4 = 13, यहाँ पे सिर्फ 1 है तो 1 + 13 = 12, बस ये इतने नंबर लिख के आए तो तुम लोगों को मार्क्स मिल जाते हैं, 4 मार्क्स। समझ में आ रहा है? तो भले तुम लोगों को बाकी पढ़ाया हो नहीं पढ़ाया हो, तुम लोगों को सिर्फ अल्फा बीटा एंड गामा एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनके चार्जेस पता हो तो सफिशिएंट है। इसमें आगे पॉजिट्रॉन एंड ऑल वो भी आता है, वो तुम लोग बाद में देख लेना। चलो तो मुझे बताओ 6, 12, 6 ये कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर? वो कार्बन इसमें बन रहा था 6 एंड इसका मास था 12। समझ में आ रहा है? तो देख दे, चैडविक ने ये रिएक्शन की और उसको मिला कार्बन, क्या मिला? बाद में कार्बन का जब मास चेक किया गया तो कार्बन का मास कितना मिला? 12। तो अभी कार्बन का मास 12 मिल रहा है, तो भाई उसको ये समझा कि अपने रिएक्शन की कंडीशन मीट हो रही है क्या? नहीं, रिएक्शन में मास चेंज होना चाहिए क्या? नहीं, बट सिर्फ मास चेंज हो गया ना भाई, समझ में आ रहा है? तो देन ही प्रेडिक्टेड कि भाई समथिंग एल्स इज बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हिच इज नॉन डिटेक्टेबल। नॉन डिटेक्टेबल क्यों है? बिकॉज चार्जलेस एंड न्यूट्रल है, समझ में आ रहा है? बट विच हैज अ यूनिट मास, समझ में आ रहा है कुछ? अब इसका मास तो था बट चार्ज नहीं था, चार्ज ना रहने वाले पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, एंड न्यूट्रल से नाम आया, कुछ समझ रहे हो? देखो तो हो रहा है, 9 + 4 = 13, 1 + 12 = 13। ये 7 पॉइंट पे कहते हैं, पॉइंट नंबर 7 कहाँ पे है? अब मुझे कैसे याद आएगा? मैं एकदम रिलैक्स हो गया, याद आता है नोट्स से, आराम से तेरे ही देख देख के बताऊंगा अभी मैं, मुझे याद करना पड़ेगा। नहीं, डाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लिया है। चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब एक एक शॉर्ट में इसकी समरी लिख देते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा देखो, समरी नेम ऑफ पार्टिकल डिस्कवरर, ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल, ये हम लोगों ने पहले भी लिखा है बाय द वे, एंड सिंबल ऑफ पार्टिकल, ठीक है। डिस्कवरर अलग है, नया पॉइंट है। अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? ओके सो 10^-31 जेजे थॉमसन, वो मैंने गलती से लिख के दिया था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, बाद में कैथोड रे का एक्सप्लेनेशन, वो मिस्टेक। अब यहाँ पे ये अगेन, ये सब डेटा तुम लोगों को पहले से दिया हुआ रहता है, नो वन विल, हाँ सीटी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, ठीक है, सीटी लेवल पे ऐसे फालतू क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है। अब चार्ज 1.6 × 10^-19 कूलम, इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज रहता है 1, मास रहता है 0, बराबर। इसका मास अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोलते हैं 0.00055 AMU है, ठीक है, ये लिख दो, कंप्लीट करो इसे। अब 0.3055 AMU, ठीक है। अब प्रोटॉन AMU समझ में आता है ना बे, तो इसे अप्रोक्सीमेटली तुम लोग कितना बोलोगे, 0 ही बोलोगे ना, क्योंकि 3 जीरोस के बाद 55 आ रहा है, ठीक है। अब प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन का मास रहता है 1.6727 × 10^-27। अगेन एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत, एग्जाम में दिया रहता है, ठीक है। इसका चार्ज 1.6 × 10^-19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन जिसका मास रहता है +1, सॉरी चार्ज रहता है +1, मास रहता है 1, ठीक है। न्यूट्रॉन चैडविक करेक्ट बोल रहा हूँ, 1.6789 था, कुछ तो था। अब मुझे पता है इस पे से अपने को क्या पता चलता है, विच वन इज हेवियर, न्यूट्रॉन इज हेवियर, एकदम माइन्यूट अमाउंट से न्यूट्रॉन हेवी रहता है, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है, ओके। तो नो चार्ज न्यूट्रॉन, जीरो चार्ज, 1 मास, ये समझ में आ रहा है कुछ, लिख दो। अगेन ये डेटा बाय हार्ट नहीं रखना है, अप्रॉक्स इन लोगों को याद रहे तो अच्छा ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, देखो। ओके, अभी हम लोग इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर, ठीक है। अभी इसके बाद वाला जो भी सिलेबस है वो एग्जाम में आने के चांसेस रहे, चांसेस सीटी क्यों, तो जेई वाली नहीं है, नीट है क्या, हाँ स्पेसिफिक चार्ज का क्वेश्चन आ सकता है, नहीं धीरे धीरे बोला ना, किसकी कैलकुलेट करने आता है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑन दिस, या फिर लिखो बे, ये ऐसे वाले क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेंगे तो मैं ही करा के दे देता हूँ, क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड रेशियो ऑफ ई बाय एम फॉर प्रोटॉन, ये बातें करना बंद करो, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ऑप्शंस भी दे देता हूं, ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी
2:1, ऑप्शन बी सी 2:1, अच्छा 2 बार आ गया ना, 1:2, एंड रुको तो जरा यार, ऑप्शन डी नन, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को क्यू बाय एम पढ़ा है, इन लोगों ने क्वेश्चन में ई बाय एम दे दिया, कुछ फर्क है स्पेसिफिक, हाँ क्वेश्चन बाय द मेंशन कर रहे थे स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्यू बाय एम, कभी कभार ई बाय एम लिखा हुआ है, नथिंग एल्स, ठीक है। ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई, चार्ज क्या, अच्छा तुम लोग आंसर बता रहे हो, हमने मैं ई के मीनिंग पूछ रहा हूँ ना, बट तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई, ऐसे हम लोग लिखा था ना, कभी कभार इस चार्ज को ई लिखा जाता है, याद है ऐसे लिखा के दिया था मोल कंसेप्ट में, दिस इज 1e, वो ई है, ठीक है। ओके तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं जरा, तुम लोगों को पहले ई बाय एम और प्रोटॉन निकालना पड़ेगा, बराबर। प्रोटॉन का चार्ज कितना, प्रोटॉन का चार्ज प्लस वन, प्रोटॉन का मास कितना 1, तुम लोग एग्जैक्ट वैल्यूज भी यूज कर सकते हो या फिर एमयूज वाली वैल्यूज भी यूज कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मुझे बताओ ई बाय एम फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्लस 2, उसका मास, ये देखो चार्ज प्लस 2 मास 4, कुछ समझ में आ रहा है। तो जब तुम लोग इसको कैंसिल आउट करोगे ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब तुम लोगों को प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का रेशियो निकालना है ना, तो ई बाय एम फॉर प्रोटॉन एंड ई बाय एम फॉर अल्फा पार्टिकल, 1/1 / 1/2, ये 2 ऊपर लेके जाओ तो तुम लोगों को मिलेगा 2/1, कौन सा आंसर है, इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा कि ऊपर आएगा उसको भी डिपेंड करता है, बट 1/8 / 2/7, 1/8 / 3/7 एक्चुअली बताता हूँ, चलिए वो भी कर जाएंगे। आओगे? हाँ। अब यहाँ पे अगर तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ लिया ई बाय एम, तो इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, तो ई का मास, सॉरी ई का चार्ज 1, ई का मास अब वो कंसिडर करना पड़ेगा ना, हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0 बोलते हैं, नेग्लिजिबल, बट इन रियलिटी 0.0005, समझ में आ रहा है। तो चलो तुम लोगों के मॉडल का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने, मतलब इधर भी, तो अगर तुम लोग e by m for proton, e by m for electron कर दे, चलो अपॉन e by m for proton अगर निकालने गए, तो e by m for proton इलेक्ट्रॉन कितना है, 1/1 एक कर दो अपॉन क्या हो जाएगा वो 1/1, बराबर, मतलब इसका आंसर तुम लोगों को 1/0.005 आ रहा है। अब जरा 1/0.00055 इसको अगर तुम लोगों को सॉल्व कर रहे हैं तो तुम लोग क्या करोगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 × 10000, तो ये वो नीचे आ जाएगा 10000, नीचे आ जाएगा 5.5, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1800 के अराउंड आता है, क्या 1818.18, अच्छा 1818 आता है, ओके ठीक है, 1833, इसका एग्जैक्ट आंसर इज 1837, ठीक है। तो वहां पे वो 54 या फिर ऐसे पूछ रहा है, सकते हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होता है 1837, इस रेशो का आंसर, बोलो। हाँ चार दोनों का सेम ही है, चलो अगेन ये सारे कैलकुलेशन धीरे धीरे तुम लोगों को हैबिचुअल हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, लिख दो, हो गया, लिखो कंप्लीट करो। हो गया, ओके।
पूजा हो रहा है आदत आदत लगा मत देना सिर्फ इस बात की